हेलो फ्रेंड्स, आप सभी के घर में तो एलपीजी ओवन होता ही है, और इसमें एक परेशानी आती है कि ओवन ठीक से जलता नहीं, जाम हो जाता है, ठीक से गैस जो है निकलता नहीं है, अंदर से जाम होता है। तो वो आप कैसे क्लीन कर सकते हैं? ऐसे तो आपको इसको क्लीन करने के लिए मार्केट में ले जाना पड़ता है, वो तो बहुत प्रॉब्लम का बात है, और दूसरा वहाँ पर कुछ फीस भी लगता है ठीक करने में। तो हम इस वीडियो में आपको पूरा डिटेल्स में बताएंगे कैसे आप इसको क्लीन कर सकते हैं ओवन को घर में ही 5-7 मिनट में, और वो भी फ्री में। तो आइए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल को नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे हम जो भी हेल्पफुल वीडियो पोस्ट करेंगे तो उसका तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और हो सके तो जो घंटी का बटन है उसको दबा दीजिए, और अच्छा लगे वीडियो तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बताना होता है ये जो नॉब होता है, ये दोनों साइड पे दो नॉब होता है, इसको आपको ओपन करना होता है। इसको ओपन करने के लिए आप इसको थोड़ा पकड़ के खींच देंगे बाहर से तरफ, तो देखिए ये निकल जाएगा। देखिए ये निकल गया, और इस साइड में जो है ये भी आपको सबसे पहले निकलना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर ऊपर में जो होता है ये सब हटाना होगा, क्योंकि ये जाम होता है, ये जाम अंदर से हो जाता है, अंदर से गैस निकलता नहीं है, अंदर में जो सिस्टम रहता है उसमें जाम हो जाता है। तो इसके अब इसको उल्ट मतलब यहाँ पर देखिए दोनों साइड में दोनों स्क्रू होता है। देखिए यहाँ पर एक स्क्रू है, यहाँ पर है, और ये भी ओपन करना होता है। तो इसको अभी हम ओपन करेंगे। तो इसको निकालना पड़ेगा, तो बहुत इजी है, इसमें आप खुद कर सकते हैं, ज़्यादा दिक्कत का बात कुछ नहीं है। ये 4 स्क्रू आपको निकलना होगा सबसे पहले। हाँ देखिए मैंने स्क्रू निकल दिया, तो यहाँ पर एक स्क्रू इसको भी निकल देते हैं। तो ये निकल गया, उसको देखो वाशर टाइप का रहता है, इसको निकल दिया, इस साइड में जो है वो भी निकल दिया। तो ये पूरा ओपन हो गया। अब इसको पलटना होगा, ओवन को पूरा पलटना होगा। तो ओवन को पलटने के बाद देखिए यहाँ पर एक तो वाशर रहता है दोनों साइड में, यहाँ पर देखिए रहता है ये, और दोनों साइड में जो बर्नर के साथ जुड़ा हुआ होता है इसको भी ओपन करना होता है। तो ये भी हम ओपन कर दे रहे हैं। हाँ मैंने दोनों साइड का स्क्रू ओपन कर दिया, अभी इसको निकाल देना है यहाँ से। देखिए ये अभी यहाँ से ओपन करेंगे यहाँ से, तो ये निकल जाएगा, ये निकल देना है, और ये भी ऐसे निकल देना है। तो इसके बाद ये जो मेन पाइप है गैस का, मेन पाइप ये बाहर हो जाएगा। तो ये बाहर हो गया, अभी इसमें डिटेल्स में आपको दिखाना होगा। हाँ अभी जो हम आपको दिखा रहे हैं आपको ध्यान से देना होगा। अभी इस नॉब को थोड़ा आप हाथ से घुमाएंगे दबा, तो देखिए ये एक तो स्क्रू बाहर आ गया, ये देखिए स्क्रू तरह का है, ये जो आपको दिख रहा है ये एक स्क्रू है। तो इस स्क्रू को आपको ओपन करना होगा, इसको ओपन करते ही पूरा ओपन हो जाएगा। देखिए स्क्रू जो है ये घुमा के आपको ओपन करना होगा। हाँ ये देखिए स्क्रू आपको दिख रहा होगा, इसको आप छोटा सा स्क्रू ड्राइवर, ये मतलब टेस्टर होता है, उससे इस स्क्रू को घुमाएंगे तो ये निकल जाएगा। इस पोर्शन का आपको ध्यान से देखना होगा। देखिए ये निकल गया स्क्रू, और थोड़ा है देखिए ये वाला स्क्रू जो है, ये स्क्रू निकल गया, आप ध्यान से देखिए। अब इसको एक एक करके हम खुद निकाल के दिखाते हैं, ठीक है। ये स्क्रू रहता है, स्क्रू निकल गया, स्क्रू जब निकल गया तो यहाँ पर स्क्रू लगा रहता है, ये जो आपको छेद दिख रहा है, तो इसको निकल, इसके बाद एक स्प्रिंग निकलेगा, ये रहता है, इसके बाद एक स्प्रिंग रहता है। तो ये हो गया, इसके बाद स्प्रिंग इसके अंदर घुसा रहता है बस, और अंदर कुछ नहीं रहता है। और इसके बाद मेन वाल्व जो है वो रहता है, ये है आपका मेन, जिससे गैस मतलब जो यहाँ पर जाम रहता है, ये वाला मेन यहाँ पर जाम रहता है। यहाँ पर जाम आपको कहाँ होता है दिखा देते हैं। ये देखिए छोटा सा एक तो छेद है, ये दिख रहा है छोटा सा छेद यहाँ पर, और यहाँ पर यहाँ से गैस निकलता है, यहाँ से होके यहाँ से आता है, तो ये जाम हो जाता है। तो इसको साफा करने के लिए आपको जो घर में जो इलेक्ट्रिक वायर है उसका छोटा सा हिस्सा निकाल लेना है इलेक्ट्रिक वायर से, और इसको साफा करना है ऐसे, इसको ऐसे सफा करना है ऐसे। आप जो वायर है ये पर हाथ में छोटा सा,
तो इसको आप ऐसे इसको वॉश कर देना है अच्छी तरीके से। इस छोटा सा जो वायर मैंने लिया, इस वायर आपको दिख रहा होगा छोटा सा, तो इस वायर से ये जो छेद है इन दोनों को साफ कर देना है, तो ये गैस ठीक से निकलता रहता है बस, और कुछ नहीं। उसके बाद आप इसको थोड़ा सा मतलब कपड़े कपड़ा से वॉश कर देना है। देखिए मैंने वॉश कर दिया, कपड़ा कपड़ा से पोंछ के थोड़ा सा वॉश कर दिया। अभी आपका घर में लुब्रिकेंट, जैसे इसमें तो स्पेशल एक ग्रीज लगता है लुब्रिकेंट के लिए, तो अगर घर में जो मोबिल है मोबिल यूज़ कर सकते हैं, या मोबिल नहीं है अगर घर में आपका इस तरफ का वेसलिन है, वेसलिन का डब्बा, तो वहाँ से थोड़ा ले के भी आप यहाँ पर दे सकते हैं। तो इससे क्या होता है ये स्मूथली घूमता है। तो मैंने वेसलिन दे दिया, आप स्पेशल ग्रीज जो आता है इसके साथ वो भी यूज़ कर सकता है ये, या आपका जो घर में लुब्रिकेंट होता है मोबिल वो भी यूज़ कर सकते हैं। अभी इसको फिटिंग करना देख लीजिए। अभी इसको सबसे पहले इसको यहाँ पर घुसाना है, ठीक है। अब इसको यहाँ पर घुमा देते हैं। और एक बात, यहाँ पे जो मेन छेद रहता है ये भी कुछ कुछ टाइम जाम हो जाता है। हाँ, तो उसको भी आपको वायर से ऐसे वॉश कर देना होगा, छोटा सा जो वायर होता है उससे इसको साफा कर देना होगा। तो इससे क्या होगा पूरा जो जाम था वो निकल जाएगा। तो ये निकल घुसा दिया अपना मेन जो पार्ट था, देख लीजिए एक बार, यही मेन चीज़ है। ये मेन चीज़ सबसे पहले ये घुसेगा अंदर में, तो ये मेन पार्ट है, इसको हम अंदर घुसा दिया। उसके बाद आपका लगेगा जो स्प्रिंग था वो स्प्रिंग घुसेगा। स्प्रिंग के बाद ये जो मेन नॉब है जिससे मतलब आपका नॉब कनेक्ट होता है वो अंदर घुसना है, और ये जो छेद है ये इससे फिटिंग होगा। तो ये जब आप दबा के स्प्रिंग को दबा के थोड़ा घुमाएंगे तो ये छेद अंदर में आ जाएगा, यहाँ पर ये छेद दिखाई देगा, और वहाँ पर ये जो आपका छोटा सा स्क्रू है वो स्क्रू यहाँ पर लग जाएगा। स्क्रू लगा के आपको ठीक से इसको टाइट कर देना है टेस्टर से, छोटा आपको टेस्टर लेना है, तो बड़ा स्क्रू ड्राइवर जो होता है घुसेगा नहीं। हाँ, तो मैंने देखिए पूरा इसको फिटिंग कर दिया। तो अभी देखिए इस नॉब को लगा के घुमाएंगे, मेन जो नॉब है मेरा तो ये घूमेगा ठीक से, देखिए घूम रहा है अभी, मतलब हो गया फिटिंग। अभी इसको मेन यहाँ पर फिटिंग कर देना है। हाँ, अभी इसको हम फिटिंग कर रहे हैं, तो इसको मैंने उधर से फिटिंग कर लिया। उसके बाद ये बाहर से जो इसको ऐसे फिटिंग करना है, और यहाँ पे जो स्क्रू था आपको उसको लगा देना है ऐसे, तो ये वाला फिटिंग हो जाएगा। हाँ, ये फिटिंग हो गया। उसके बाद इस ये जो नॉब था उसको लगा के प्रेस कर देना है, तो ये फिटिंग हो जाएगा। अब इसको पलटना है, जो अंदर की तरफ भी फिटिंग करना है कुछ चीज़ें, तो ऐसे इसको पलटना है। और जो पहले ओवन मैंने ओपन किया था ओवन को ऐसे यहाँ पर घुसाना है और यहाँ पर फिटिंग कर देना है, और जितना जो स्क्रू था ये वाला स्क्रू उसको लगा देना है। देखिए अब फिर से मैं जैसा था वैसा फिटिंग हो गया, और गैस में मेरा जो जाम था वो जाम भी चला गया, अभी ठीक से जलेगा। तो अभी देखिए जैसा था वो फिटिंग हो गया, तो कंप्लीट हो गया। आप ऐसे इस भी मतलब गैस को जो जाम है उसको हटा सकते हैं, और गैस को जो मतलब बर्नर को ठीक कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और नीचे जो सब्सक्राइब बटन है उसको प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिए। फिर मिलेंगे कुछ नया वीडियो के साथ, आज के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।